मैरिया इंडिया की डीलरशिप मैरिया किया ऑटोमोबाइल के नाम से हमारी फर्म के पास सीकर झुंझुनू चूरू नीमका थाना चारों जिलों की शेखावटी संभाग जो है सीकर संभाग जो है उसकी डीलरशिप है और 2 साल से सीकर में शोरूम और वर्कशॉप का काम बखूबी चल रहा है। अभी किया के जो कस्टमर्स हैं पूरे देश में जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है उसने किया कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन नंबर 1 पे माना है पूरे देश में। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं यहाँ झुंझुनू के चिड़ाव के सूरजगढ़ के पिलानी के उदयपुर वाटी के बहुत से कस्टमर्स हैं जो बार बार कह रहे थे कि भाई झुंझुनू में भी हमें सुविधाएं चाहिए। उसको देखते हुए हमने झुंझुनू और चूरू नीमका थाना सब जगह सुविधाएं शुरू करने का कार्यक्रम बनाया। उसी के तहत आज इस शोरूम का उद्घाटन हुआ। उसमें झुंझुनू सीकर सभी क्षेत्र से प्रबुद्ध लोग आए। आदरणीय बड़े भाई साहब श्री पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष जी मैरिया, पूर्व सांसद श्री नरेंद्र जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष जी पूनिया और यहाँ के रिको आरटीओ और पुलिस कलेक्ट्रेट सभी के ऑफिसर्स और सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण राजेश जी बाबर मांझू जी कशवा जी अन्य लोग पधारे। बड़ा अच्छा लगा। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र से जो लोग पधारे और जिन्होंने फ़ोन पे शुभकामनाएं दी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ किया इंडिया कंपनी की सभी मॉडल्स चाहे वो सोनेट कारेंस सेल्टोस कार्निवल उपलब्ध होंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि बुकिंग पीरियड कम से कम रखें और हमारे कस्टमर को तुरंत प्रभाव से गाड़ियाँ उपलब्ध कराएँ। और यहीं रिको इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस की बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएँ जो है वर्कशॉप बनाया है उसमें वहाँ उनको सुविधाएँ मिलेंगी। तो सर वर्कशॉप वगैरह ओपन हो गए हैं? वर्कशॉप तैयार हो गया है। 6 से 7 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। वहाँ सर्विस देना हम शुरू कर देंगे। शोरूम आज शुरू हो गया है और ऐसे ही अगले संडे को चूरू में जो सीकर राजगढ़ रोड है मेन हाईवे चूरू का जो है उसमें आपनों पेट्रोल पंप के पास शोरूम और वर्कशॉप की सुविधाएँ इसी रविवार को शुरू कर दी जाएंगी। किया इंडिया की सेल्स स्पेयर और सर्विस 3S फैसिलिटी डीलरशिप आज हमारे यहाँ झुंझुनू में इसका उद्घाटन हुआ कि झुंझुनू के अंदर जो कि किसानों किसान कमेरों का प्रदेश है इसके अंदर किया का आना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये किसान के लिए काफ़ी किफ़ायती गाड़ी है। जैसे हम सोनेट की बात करें तो सोनेट जो है 10 से 11 लाख के प्राइस सेगमेंट के अंदर आज के दिन हिंदुस्तान की सबसे भारी M1 सेगमेंट की गाड़ी है। दूसरे नंबर पर अगर अपन किया सेल्टॉस की बात करें तो वो शहरी नहीं बल्कि हाईवे पे चलने के लिए भी। तो किया का जो पैकेज है ओवरऑल एक आम आदमी के लिए बहुत सूदिंग पैकेज है और आने वाले दिनों में हम किया कार्निवल लिमोजिन लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद में हम EV9 लॉन्च कर रहे हैं। मेरा ये मानना है बहुत किफ़ायती ब्रांड यहाँ पर आ रहा है और आशा करता हूँ कि यहाँ के सभी जो बंधु हैं वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे और एक उज्जवल और नए भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो आज शिक्षक दिवस है तो संपूर्ण शिक्षक समाज को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और किया ने आज एक झुंझुनू में अपना शोरूम स्थापित किया है, इससे झुंझुनू के लोगों को रोजगार भी मिलेगा साथ में सुविधा भी मिलेंगी। जो हमें पहले शोरूम के लिए सीकर जयपुर जाना पड़ रहा था अब यहीं वो सुविधाएँ मिलेंगी। सर्विस के लिए हमें सीकर जयपुर नहीं भागना पड़ेगा तो मैं बहुत अच्छी मुहिम मानता हूँ इसको। और दूसरी बात झुंझुनू के लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं, यहाँ शोरूम में जो काम करेंगे लोग सर्विस में काम करेंगे तो झुंझुनू के लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं और झुंझुनू को बढ़ती हुई डिस्ट्रिक्ट है बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में शोरूम जैसे आएंगे तो यहाँ के लोगों को विकास भी होगा। इसमें भी एक अच्छी मुहिम है और मैं संपूर्ण इस किया के परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैरिया किया झुंझुनू में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और जैसा कि आज हमारे शोरूम की है वो ओपनिंग हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो कार्यक्रम है वो सक्सेसफुल रहा है। और उसके अलावा जैसे जो सेल्स जो है वो हमारी यहाँ पे स्टार्ट है, अच्छे ऑफर्स हैं। और उसके अलावा जो वर्कशॉप की पहले काफ़ी सारे कस्टमर्स को दिक्कत थी किया के ओनर्स को कि वर्कशॉप नहीं होने की वजह से उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता था, उनको सीकर उनको सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अभी आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि झुंझुनू के अंदर भी किया का ऑथोराइज वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि अभी उसका निर्माण कार्य जो अभी प्रोग्रेस के अंदर है और जल्द ही वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट होने वाला है ताकि झुंझुनू के जितने भी कस्टमर हैं उनको सर्विसिंग के रिगार्डिंग है वो परेशान ना होना पड़े, उनको कहीं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े।